अगर दोस्तों आप भी पेटीएम फॉर बिजनेस यूज करते हो और आप उसका क्यूआर कोड यूज करते हो अपने शॉप में, और दोस्तों आपका यहाँ पर क्यूआर कोड खत्म हो गया है तो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो भी दोस्तों आप यहाँ पर पेटीएम से, और आपका यहाँ पर दोस्तों अपने फ़ोटो के साथ आप कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने जो है अपने मनपसंद का यहाँ पर फ़ोटो लगा लिया है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब भी दोस्तों ये आपका डाउनलोड होगा या आप यहाँ पर ऑर्डर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहे यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो, कोई फ़ोटो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, वो भी दोस्तों आप अपने क्यूआर कोड के साथ। तो आखिर यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर जो है डाउनलोड करेंगे, कैसे अपना यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे ताकि दोस्तों आपका जो भी आप प्रिंट करके निकालेंगे या दोस्तों आप ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो के साथ आए, तो आप यहाँ पर कैसे ऑर्डर करेंगे, कैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, आज की वीडियो आप लोग हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों उसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, आप अपने मोबाइल में जो पेटीएम को ओपन करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर दोस्तों पेटीएम फॉर बिजनेस नहीं भी है तो आप यहाँ डायरेक्ट पेटीएम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना, आप ये देख सकते हैं यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर पेटीएम फॉर बिजनेस का क्यूआर कोड यूज करते हो तो आपको यहाँ पर मर्चेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ पेटीएम यूज करते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो है फोटो वाला क्यूआर कोड देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जो कि बिजनेस वाला आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर मर्चेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो अगर अपना फ़ोटो लगाना है, अपने मनपसंद का फ़ोटो लगाना है तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा चेंज फ़ोटो, ठीक है। आपको यहीं पर क्लिक करना है, कैमरा वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं अपने क्यूआर कोड स्कैनर वाला में, आपको यहाँ पर जो है कि अपने मोबाइल में रख लेना खींचकर, आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको जो भी फ़ोटो लगाना है आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कोई फ़ोटो एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमको यहाँ पर लगाना है, तो आप ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमको ये फ़ोटो लगाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी फ़ोटो लगाना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है, आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपने मनपसंद का आप यहाँ पर जो अपना फ़ोटो के साथ अब आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे क्यूआर कोड को, ठीक है। इसे आप प्रिंट करके अपने शॉप में लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड क्यूआर कोड, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो है कि वहाँ पर फ़ोटो के साथ आपका यहाँ पर डाउनलोड होगा, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, कैसा यहाँ पर डाउनलोड हुआ है। अगर आपको यहाँ पर ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर दीज क्यूआर कोड, आपका यहाँ पर जो स्टैन वाला आएगा उस पर भी दोस्तों आपका यहाँ पर फ़ोटो के साथ आएगा। जो भी फ़ोटो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप यहाँ से फिर से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस आ जाता है, आप यहाँ पर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। अभी यहाँ पर हमको नहीं लेना है क्यूआर कोड क्योंकि मेरा यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा इसी एड्रेस पर। दोस्तों आपको यहाँ पर कोई अदर एड्रेस पर मंगाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एड न्यू एड्रेस, ठीक है। आपको यहाँ पर दूसरा एड्रेस पर मंगाना है तो आप यहाँ पर मंगवा लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर जो भी आपके पेटीएम में एड्रेस है उसी पर मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है कि ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 से 8 दिन के अंदर आपके शॉप पे ये आ जाएगा, आपके घर पर ये लेकर आ जाएगा स्टैंड वाला, वो भी फ़ोटो के साथ, ठीक है। अगर उसको आपको यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे या उसको आपका यहाँ पर स्टैंड वाला आएगा। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे गैलरी में ये सेव हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है, मेरे गैलरी में ऐसे करके आपको यहाँ पर सेव हो गया। अब आप यहाँ इसे प्रिंट करके अपने शॉप में लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर, उसके बाद क्यूआर कोड, उसके बाद आपका यहाँ पर फोटो, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो सो दोस्तों उम्मीद करते हैं सोचा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया और आपको यहाँ पता चल गया होगा कि आप क्यूआर कोड जो है अपने फोटो के साथ कैसे ऑर्डर करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल से। तो हमने आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके बतला दिया। अगर दोस्तों वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।